Hello and welcome, student. We continue our lecture. In last lecture, we have done 3 questions. Now today we solve question number 4. So before going to solve question number 4, question number solve करने से पहले कुछ basic terminologies यहाँ पे बताएंगे. इसके बाद हम solve करेंगे जो हमको यहाँ पे लगने वाली है. उसमें सबसे पहला कि कोई अगर से second degree homogeneous equation अगर से है हमारे पास, जैसे कि ये है, तो हमको मालूम है इसमें दो लाइन्स है और दो लाइन्स अगर से हैं, इफ देर आर टू लाइन्स इन दैट वन, अगर से इसमें दोनों लाइन्स है, तो जैसे कि दोनों लाइन्स ओरिजिन में से पास है, तो 100% यहाँ पे कितने स्लोप मिलेंगे, दो स्लोप, एक का एम वन और एक का एम टू. तो ये कंडीशन सबको मालूम है, एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस टू एच बाई बी. और दूसरी कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का भी फार्मूला मालूम है, कितना, ए बाई बी. ये सबको अच्छे से मालूम है. तो ये कंसेप्ट का आज यहाँ पे यूज़ है कि कोई अगर से सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन अगर से है, तो उसमें सम ऑफ स्लोप का फार्मूला माइनस टू एच बाई बी और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फार्मूला ए बाई बी, जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखे वाला है. तो ये कंसेप्ट सबको मालूम है, ये कंसिडर करके ही अपन आगे जाएंगे. सो ओके, सी एन नाउ. सो हाउ टू सॉल्व दैट वन, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. सबसे पहले क्या निकाले वाला उससे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. अब कंडीशन क्या दी वाली है, द सम ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, ये क्या है, ज्वाइंट इक्वेशन और कंबाइन इक्वेशन. मतलब इसमें कितने लाइन्स हैं, दो लाइन्स हैं, दो लाइन्स हैं, मतलब कितने स्लोप, दो स्लोप. कंडीशन क्या है, सम ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड इज ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट. मतलब यहाँ पे कंडीशन दी वाली है, सम ऑफ स्लोप मतलब क्या, एम वन प्लस एम टू इतना कितना है, टू टाइम्स है, किसके, उनके प्रोडक्ट का, मतलब एम वन इंटू एम टू के. ये कंडीशन दी वाली है. जैसे कि अभी सेकंड डिग्री इक्वेशन है, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन कौन सी है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, राइट है. ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. ये क्या है हमारे पास, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन. तो इसमें कितने लाइन्स हैं, दो लाइन्स हैं, 100%. ये एक लाइन ओरिजिन में से पास, अगेन अनदर लाइन, अगेन इट इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दोनों भी लाइन. तो इसमें कितने स्लोप है, दो स्लोप, एम वन और एम टू. तो ये कंडीशन है, एम वन प्लस एम टू, इसमें जो दो लाइन्स हैं, इनके सम ऑफ स्लोप इज इक्वल टू क्या दी वाला कंडीशन, ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट. मतलब एम वन इंटू एम टू का कैसा है, डबल है. तो लेट अस सॉल्व सिस्टमेटिकली. क्वेश्चन समझा के दे दिया कि उसमें पूछा क्या, अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सी हियर नाउ. सो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, अभी सिंपल वे से बताता. सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है. तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, अगेन सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन को, कंपेयरिंग द इक्वेशन, कंपेयरिंग द इक्वेशन, कौन सी दी वाली है, जो हमारे पास इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, किसके साथ, विथ द इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, कॉमा वी गेट, क्या मिलेगा इसमें, क्या मिलेगा कंपेयर करने से, वी गेट, कंपेयर करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वन और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्वेश्चन ए. सो देयरफॉर व्हाट वी गॉट हियर, ए इज इक्वल टू वन. उसी तरीके से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना, टू एच. उसी तरीके से वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस तीन. सो वी गॉट हियर कंडीशन, टू एच इक्वल टू के एंड बी इज इक्वल टू कितना, माइनस का तीन. कंपेयर करने से ये मिल गया. आप जैसे कि मालूम है फॉर्मूला इन दैट वन, देर आर टू लाइन्स, ओके. सो लेट एम वन एंड एम टू बी द स्लोप ऑफ द लाइन्स. सो व्हाट वी कैन से दैट हियर, लेट एम वन एंड एम टू बी द स्लोप ऑफ द लाइन्स, बी द स्लोप ऑफ लाइन्स. सो व्हाट इज द कंडीशन, देयरफॉर सम ऑफ स्लोप एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस टू एच बाई बी, रख दो इसमें,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2h के माइनस के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस 3. सो फाइनली व्हाट वी गॉट हियर, फाइनली वी गॉट हियर k by 3. सम ऑफ स्लोप इज नथिंग बट माइनस माइनस प्लस, वी गॉट हियर m1 प्लस m2. Now, m1 into m2 is equal to formula a by b. Kept in that one, what is a? 1. What is b? Minus 3. So, what we got finally? Minus 1 by 3. So, it is the sum of slope. Okay. And it is the product of slope. m1 into m2. Mil gaya. This is the product of the slope. Now you see here condition क्या दी वाली है, उसके हिसाब से condition हमको दी वाली है कि sum of slope, मतलब according to condition, according to given condition, according to given condition, बोलो condition के हिसाब से क्या दी वाला है. According to given condition, what is the condition here? Sum of slope means m1 plus m2 is equal to twice of product of slope means m1 into m2. Kept in that one, sum of slope kitna nikala hai, dekho k by 3, 2 times product of slope kitna minus ka 1 by 3. So 3 se 3 cancel, k is equal to kitna aa gaya minus ka 2. It is the value of that one. यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि k की वैल्यू निकालो, तो k की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, k इज इक्वल टू माइनस टू. कंडीशन क्या थी? सम ऑफ स्लोप, दिस इज द कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है. सम ऑफ स्लोप इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कैसा था, डबल था. ठीक है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सम ऑफ द स्लोप m1 प्लस m2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट मीन्स m1 इंटू m2. तो ये पहला क्वेश्चन. अब देखो क्वेश्चन नंबर टू में क्या पूछे वाला है. सो क्वेश्चन नंबर टू की तरफ जाएंगे अभी. सेम उसमें भी कई पूछे वाला है, तीनों क्वेश्चन में कई पूछे वाला है. तो यहाँ पे उसने पूछा के निकालो, मगर इस पर कंडीशन क्या दिया कि स्लोप ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, कितने लाइन्स है, दो लाइन्स है, तो उनका स्लोप डिफर बाय फोर. डिफर बाय फोर मतलब पहले कंडीशन समझ के लो. क्वेश्चन नंबर टू के आंसर में तुमको कंडीशन दी वाली है, क्या डिफरेंस क्या बोला उसने, कंडीशन स्लोप ऑफ लाइंस डिफर बाय फोर, मतलब दो स्लोप है m1 और m2, तो उनका डिफरेंस डिफर बाय फोर मीन्स m1 माइनस m2 इज इक्वल टू फोर. और डिफरेंस ये पॉजिटिव दिया तो बहुत साइन वो टाइम हम क्या लेते, मॉड भी लेते, क्योंकि तो हमको डिस्टेंस मालूम, डिफरेंस कितना दिया वाला है, प्लस का फोर, तो इसलिए मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इज इक्वल टू कितना, फोर. ये कंडीशन दी वाली है. इसका कंडीशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे, सेम जो पिछले मेथड से करे थे. अब सबसे पहले सेम मेथड, दिए वाली इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे. ठीक है, ये जो इक्वेशन दी वाली है इसको हम कंपेयर करेंगे. सेम हमें डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ, कंपेयर करने से आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग विथ comparing with किसे ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. सॉरी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, थोड़ा यहाँ पर लेंगे अपन थोड़ा पहले से. कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो कॉमा वी गेट क्या मिलेंगे देखो यहाँ पे, ए इज इक्वल टू थ्री, ए इज इक्वल टू थ्री, टू एच इक्वल टू के और बी इक्वल टू कितना, माइनस वन. टू एच इक्वल टू के और बी इज इक्वल टू कितना, माइनस वन. टू एच इक्वल टू के और बी इज इक्वल टू कितना, माइनस वन. नाउ सेम दो स्लोप है तो कंडीशन के हिसाब से m1 प्लस m2 का फार्मूला माइनस टू एच बाई बी, टू एच कितना है, माइनस के और b कितना, माइनस वन. तो फाइनली वी गॉट ओनली k. एंड
What is the product of slope m1 into m2 is equal to formula a by b. What is a? 3. What is b? Minus 1. So what we got here? Minus का 3. ठीक है, तो दोनों मिल गए. अब हमारे पास कंडीशन दी वाली अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ से इम्पोर्टेंट है. दोनों तो सेम था अभी तक. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दी वाली है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको अपन. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ओके, तो कंडीशन के हिसाब से क्या दिया वाला है. देखो यहाँ पे कंडीशन दिया वाली है डिफरेंस m1 माइनस उनके स्लोप का डिफरेंस, मतलब m1 माइनस m2 का डिफरेंस कितना दिया वाला है 4. ये कंडीशन हमको दिया वाली है. इसको थोड़ा बोल्ड में लिखेंगे अपन. ओके सॉरी, ये होगी कंडीशन. ओके दिस इज द गिवन कंडीशन m1 माइनस m2 इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 4. ठीक है, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू कितना है 4. मगर हमको मालूम है सम ऑफ स्लोप का फार्मूला मालूम है. व्हाट इज सम ऑफ स्लोप? सम ऑफ स्लोप का हमको मिली वाली कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ स्लोप इज इक्वल टू कितना k, और हमको किसकी वैल्यू मालूम है? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप की वैल्यू मालूम है -3. तो इन दोनों का यूज करते हुए हम m1 माइनस m2 को ऐसे लिख सकते हैं. देखो कैन यू राइट दिस वन एज, ऐसे लिखेंगे कि इसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4, ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 है, गिवन कंडीशन है. तो क्या हम ये दोनों का यूज़ करते हुए ऐसे लिख सकते हैं कि देखो अभी कैन यू राइट दिस वन दिस इक्वेशन एज अ, इसको बाद में यूज़ करेंगे अपन लेटर ऑन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो. अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे. कैन यू राइट दिस वन एज अ m1 माइनस m2 का स्क्वायर क्या आना चाहिए? m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2 ऐसा आना चाहिए. मतलब m1 माइनस m2 के स्क्वायर को, इट इज़ एक्सपांशन ऑफ m1 माइनस m2 का स्क्वायर. तो यही एक्सपांशन को हम एडजस्टमेंट करेंगे. देखो बात को समझो यहाँ पे, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है. ये जो टर्म है इसको हम ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे कि इसको डिस्टर्ब भी नहीं होगा और उसको सॉल्व करने के बाद यही आंसर आएंगे. देखो अभी आप इसको मैं एक्चुअली इसका एक्सपांशन ऐसा आना चाहिए, मगर हम इसको कैसे एडजस्ट करें. देखो यहाँ पर m1 माइनस m2 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज, देखो इसको ऐसे लिखूँ क्या, m1 प्लस m2 का स्क्वायर. देखो इसमें कितना आ गया, m1 का स्क्वायर ये टर्म आ गया, m2 का स्क्वायर ये टर्म आ गया, मगर यहाँ पे प्लस का है. तो प्लस का 2 टाइम्स m1 m2 होना चाहिए, मगर यहाँ पे कितना आ रहा, यहाँ पे माइनस का आ रहा. तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे? माइनस का 4 टाइम्स m1 इंटू m2. ये टर्म इम्पॉर्टेंट है. देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 2 टाइम्स. देखो इसको सॉल्व करो, m1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी ऐसा आना चाहिए. मगर हमको m1 माइनस m2 के एक्सपेंशन में क्या आना चाहिए, माइनस का 2, और यहाँ पे कितना आ रहा, प्लस का 2. तो ये टर्म को एडजस्ट करने के लिए हमने क्या लिखे, माइनस का 4 m1 m2. देखो प्लस के 2 m1 m2 में से माइनस का 4 m1 m2 गया, तो बचा कितना, माइनस 2 टाइम्स m1 इंटू m2. देखो तो ये जो m1 माइनस m2 का स्क्वायर है इसको अपन ने कैसे किसके फॉर्म में लिखे, सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के फॉर्म में लिखे, क्योंकि उसकी वैल्यू हमको क्या थी, मालूम थी. तो देखो अभी पूरा मिटा दीजिए, समझाने के लिए दिए थे अपन ने. अब देखो अब इसको कैसे लिखेंगे अपन, ठीक है, पूरा ही डिलीट कर देंगे अपन, अब फ्रेश करेंगे इसको. सो कैन वी राइट हियर, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट कि इसका एक्सपांशन कर देंगे अपन, मतलब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर करने से ये हो गया, स्क्वायर करने से ये क्या हो गया, m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 16. ठीक है, अब इसको अभी मैंने बताया इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन a माइनस बी का स्क्वायर है, मगर इसको हम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के हिसाब से. मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का स्क्वायर.
और इसको सॉल्व करने पर कितना आता, इसको सॉल्व करने के लिए माइनस टू एम वन एम टू, यहाँ पे कितना आ रहा प्लस का टू एम, तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, माइनस का फोर टाइम्स एम वन इंटू एम टू इक्वल टू कितना 60। तो देखो अभी इसको तुम जब सॉल्व करेंगे तो इसका एक्सपांशन और ये ऊपर का एक्सपांशन, दोनों एक्सपांशन कैसे आएंगे सेम, खाली इसको अपन अपने टर्म के हिसाब से एडजस्ट करने वाला है, बाकी कुछ नहीं। आप रख दो वैल्यू सबको मालूम है, एम वन प्लस एम टू की वैल्यू कितनी है के, तो ये कितना मिला के का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स एम वन इंटू एम टू कितना है भाई माइनस थ्री इक्वल टू 16, कितना है माइनस थ्री इज इक्वल टू कितना 16, सॉल्व करने के बाद के स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू कितना 16, के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 12 के स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 12 के स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, देयरफॉर के इज इक्वल टू स्क्वायर होने के लिए प्लस और माइनस 2, इट इज द वैल्यू ऑफ के। आई होप यू गॉट दैट वन। इसमें सिर्फ ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कौन सी टर्म, कि दी वाली कंडीशन है एम वन माइनस एम टू का स्क्वायर, सॉरी एम वन माइनस एम टू इज इक्वल टू कितना 4, डिफरेंस ऑफ स्लोप और डिफर बाय डिफर, स्लोप इज डिफर बाय 4 या फिर डिफरेंस ऑफ स्लोप इज 4, दोनों के मीनिंग सेम है, तो इसका स्क्वायर करें दोनों साइड से, यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और ये जो टर्म है इसको हमने यहाँ पे ये टर्म को एम वन माइनस एम टू का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एम वन प्लस एम टू का स्क्वायर सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों तो हमको इसकी वैल्यू मालूम है। तो हम इसका एक्सपांशन करें क्या या फिर इसका एक्सपांशन करें क्या, दोनों का आंसर क्या आने वाला है सेम। उसके बाद ये वैल्यू रख दिए एम वन इंटू एम टू की वैल्यू रख दिए, सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू कितनी आई प्लस और माइनस 2 इस पर। ओके तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, ये टर्म इंपॉर्टेंट थी कि हाउ टू टेक द एक्सपांशन ऑफ दैट वन, एम वन माइनस एम टू के स्क्वायर को हम सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। तो इसको एक्सपांशन करने के बाद क्या आता, एम वन का स्क्वायर प्लस एम टू का स्क्वायर टू एम वन एम टू, जबकि हमको क्या चाहिए इसमें माइनस का टू एम वन एम टू, तो हम क्या करेंगे माइनस का फोर एम वन एम टू की एडजस्टमेंट। तो इसको तुम सॉल्व करे क्या या फिर इसको सॉल्व करे क्या, दोनों का एक्सपांशन कैसे आता सेम। देखो अभी सबसे पहले एल एच एस का एक्सपांशन लेता हूँ मैं, एम वन का स्क्वायर एम टू का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एम वन एम टू, अब इसका एक्सपांशन लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनट थोड़ा इसको अच्छे से लिखेंगे, जगह नहीं है यहाँ पे, जगह सफिशिएंट नहीं होंगे, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे इसको अपन, तो ये हो गया सीएन नौ, एम वन का स्क्वायर एम टू का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एम वन इंटू एम टू, इसका एक्सपांशन एम वन का स्क्वायर एम टू का स्क्वायर टू टाइम्स एम वन एम टू माइनस फोर टाइम्स एम वन इंटू एम टू। देखो अभी आया क्या सेम, एम वन का स्क्वायर एम वन का स्क्वायर एम टू का स्क्वायर एम टू का स्क्वायर माइनस टू एम वन एम टू लिखे क्या, या फिर देखो माइनस चार एम वन एम टू में से प्लस का टू एम वन एम टू, तो कितना बचा माइनस का टू एम वन एम टू। बोलने का मतलब एल एच एस का एक्सपांशन और आर एच एस का एक्सपांशन, दोनों का एक्सपांशन क्या है सेम है, मतलब इसको डिस्टर्ब नहीं करें, सिर्फ हमने इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के फॉर्म में इसको लिखे, सॉल्व करने के बाद दोनों का एक्सपांशन कैसे आएगा सेम। ओके आई होप यू गॉट दैट वन, ये आ गया सबके समझ में, चलो फिर आगे जाएंगे अभी। ओके सो नाउ वी प्रोसीड टू द फर्दर पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि सिंपल कंडीशन सेम है। अब यहाँ पे दिया वाला है स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय, देखो कंडीशन क्या दी वाली है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय, मतलब इसमें दो स्लोप रहते ना, तो उसमें से दो लाइन में से एक लाइन का स्लोप, दो लाइन इसमें कितने लाइन्स है दो लाइन्स है, हाउ मेनी लाइन्स इन दैट वन टू लाइन्स, तो ये टू लाइन में से एक लाइन का स्लोप ऑफ वन लाइन, मतलब एक लाइन का स्लोप एक्सीड, क्या कर रहा है एक्सीड यानी बढ़ाना द स्लोप ऑफ द अदर बाय एट,
मतलब इसकी कंडीशन कैसी होगी कि यहाँ पे तुम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में कंडीशन ऐसी है कि एक लाइन का स्लोप मतलब क्या M1 क्या कर रहा, दूसरे लाइन के स्लोप को 8 से एक्सीड कर रहा है, यानी बढ़ा रहा है। M1 इज इक्वल टू M2 प्लस 8, एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप को 8 से बढ़ाता है, एक्सीड करता है, बस खत्म। अब ये कंडीशन के यूज़ करके तुम लिख सकते हैं, व्हाट इज द कंडीशन यार, इधर लेके आ जाओ उसको, M1 माइनस M2 इज इक्वल टू कितना 8। अभी को ऐसा सेम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना मिलेगा 64। अगेन सेम कंडीशन, M1 माइनस M2 का स्क्वायर करने से कितना आता बोलो, सबको मालूम है इसका एक्सपांशन कैसे ले सकते हैं इसको अपन, इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ स्लोप माइनस 4 टाइम्स M1 इंटू M2 इज इक्वल टू हाउ मच 64। बस ये कंडीशन है, इक्वेशन नंबर कितना 1। अब उसको कंपेयर करो उसे, कंपेयर करके क्या क्या निकलेगा यहाँ से, ठीक है ओके। ये इक्वेशन को उठाएंगे हम और कंपेयर करके ए बी और एच निकालेंगे, ठीक है। सो ये इक्वेशन को उठाएं यहाँ से, अपन ने ये इक्वेशन को उठा के यहाँ से सी एट नाउ डायरेक्ट बताएंगे ज़रा आप इसमें, ये होगी इक्वेशन Wait a minute, please. ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन में हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर व्हाट वी गॉट हियर, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना मिला, यानी इसका इक्वेशन के 2h इक्वल टू कितना मिला 4, और बी इज इक्वल टू कितना वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी इज इक्वल टू हाउ मच माइनस का 1, बी इज इक्वल टू मिल गया माइनस का 1। तो देयरफॉर व्हाट इज द फार्मूला, सम ऑफ स्लोप का फार्मूला सबको मालूम है, माइनस 2h बाय बी, 2h कितना है 4, b कितना है माइनस 1, तो फाइनली वी गॉट हियर माइनस का 4 सम ऑफ स्लोप, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फार्मूला M1 इंटू M2 इज इक्वल टू a बाय b, व्हाट इज a k, व्हाट इज b माइनस 1, सो व्हाट वी गॉट हियर माइनस का k, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप M1 इंटू M2, और ये हमारा क्या है M1 प्लस M2, ठीक है सॉरी। ये हो गया M1 प्लस M2 और ये हो गया M1 इंटू M2, रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो गया देखो, अभी इक्वेशन 1 बिकम्स क्या होगा, इक्वेशन 1 रख दो इसमें, तो M1 प्लस M2 मतलब कितना माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स M1 इंटू M2 हाउ मच, M1 इंटू M2 कितना है माइनस का के इज इक्वल टू, व्हाट इज द कंडीशन हियर 64। बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 16 प्लस 4K इज इक्वल टू 64, 4K इज इक्वल टू 64 माइनस 16, तो 4K इज इक्वल टू कितना आ गया 48, सो के इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 4, डायरेक्ट कर दूँ के इज इक्वल टू कितना 4 1 7, 4 2 8, के इज इक्वल टू कितना आ गया 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 12, दिस इज द कंडीशन। तीनों क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे,
दूसरा और तीसरा क्वेश्चन तो सेम था इसमें कि यहाँ पे कंडीशन क्या थी दूसरे में कि डिफरेंस स्लोप का डिफरेंस कितना है 4, और यहाँ पे भी कंडीशन क्या है यहाँ पे m1 = m2 + 8, एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप को 8 से क्या है बढ़ाता है। तो वही सेम कंडीशन, प्लस का m2 इधर आके माइनस का m2 = 8 हो गया, उसके बाद में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड = 64, फिर वही एक्सपेंशन m1 - m2 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं m1 + m2 - m1 × m2 = 64। इसके बाद क्या करें हमने जो इक्वेशन थी इसको कंपेयर करें, कंपेयर करने से ए मिला, एच मिला और बी मिला, सम ऑफ स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकाले और वो इक्वेशन नंबर 1 में रख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, देखो भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट इसलिए कर रहे कि दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जा रहा हूँ इसलिए कि दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखो स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय इज 4 टाइम्स द अदर देन शो दैट दिस वन, एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन का कितना है 4 टाइम्स है, तो उस टाइम पे कंडीशन बताने का है। सेम टाइप का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेंगे अभी साथ में साइमल्टेनियसली। देखो अभी इसको उठाएंगे यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 8 को और उधर ले लेंगे अपन अपने तरफ, सेम टाइप का है इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आया अपन। देखो सी एल नाउ, सो हियर क्वेश्चन नंबर 8, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ठीक है, कंडीशन तो दिख रही है यहाँ पे सबको। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे इसको अपन डायरेक्ट इसमें दो लाइन्स हैं तो इसमें लेट m1 and m2 भी द स्लोप ऑफ द लाइन्स मैं डायरेक्ट करूँगा -2h/p, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का भी फार्मूला मालूम है सबको कितना a/b। ठीक है, सो अब कंडीशन क्या दी वाली अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि एक लाइन का स्लोप मतलब क्या क्या कंडीशन दी वाली है हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दी वाली है एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का 4 टाइम्स है, m1 = how much 4 टाइम्स m2। सो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक लाइन का स्लोप 4 टाइम्स है दूसरे लाइन के स्लोप का, ही कंडीशन दी वाली है। तो ये कंडीशन का यूज करके दिस इज द कंडीशन गिवन टू अस, इसी कर देखिए इसको अंडरलाइन। तो सबसे पहले ये कंडीशन हम सम ऑफ स्लोप में यूज करेंगे, बाद में प्रोडक्ट ऑफ स्लोप में रख दो, इसमें सम ऑफ स्लोप में m1 = 4m2, तो सम ऑफ स्लोप क्या हो गया 4m2 + m2 = कितना -2h/b, तो ये हो गया 5 times m2 = -2h/b। सो m2 हो गया -2h/5b, ये मल्टीप्लिकेशन में कहाँ पे आ गया डिवीजन में, ये आ गई m2 की वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सेम कंडीशन क्या में रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप में, इसमें रखेंगे m1 × m2, तो m1 कितना आ गया 4m2 m1 के प्लेस पे 4 टाइम्स किस पर रख रहे अपन ये प्रोडक्ट ऑफ स्लोप में, तो इसके हिसाब से हो गया 4m2 × m2 = a/b, तो ये मिला 4m2 का स्क्वायर = a/b।
अब m2 के वैल्यू हमको मालूम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2, माइनस 2h अपॉन 5b, तो ये कितना मिला, 4 टाइम्स, ये कितना मिला 4h का स्क्वायर 25b स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय b, तो ये मिला 4 4 था 16h स्क्वायर 20 टाइम्स 25 टाइम्स 25 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए बाय बी। अब देखो शो दैट में क्या बताया वाला है, शो दैट में क्या करने का, 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ए बी, तो 16h स्क्वायर को हम यहीं रखेंगे और यहाँ पे इसको लेके जाएंगे 25 बी स्क्वायर को यहाँ पे ले जाएंगे, तो एक बी से एक बी कैंसिल हो गया, तो फाइनली वी गॉट द कंडीशन 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टाइम्स ए बी। सेम टाइप का क्वेश्चन था इसलिए अपन इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिए, सो आई होप यू गॉट दैट वन। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच।